गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? क्लियर है तो एक बार कंफर्मेशन दीजिए, फिर रिस्टार्ट गुड करते इवनिंग हैं। एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? फिर हम से रिस्टार्ट करते हैं। करेंट अफेयर्स, देखिए सितंबर का करेंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। कल कुछ टेक्निकल ग्लिचेज आ गया था तो कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। दो बार मैंने लिंक्स आपका जनरेट किया, 100+ ग्रुप्स में 2 बार सेंड किया, 2 बार मेरे प्रयास असफल हुए, तो फिर मुझे परेशान हो गए, उसको बंद करना पड़ा। कोई दिक्कत नहीं, आज फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। अभी अगले 3 दिन में अपने को टारगेट है कि ये सितंबर वाला करंट अफेयर्स निपटा देना है, ठीक है। तो क्योंकि सितंबर खत्म करेंगे तो भैया तभी तो हम अक्टूबर स्टार्ट कर पाएंगे, ठीक है। चलो जी, तो आगे बढ़े उससे पहले एक बार कुछ पिछले क्वेश्चंस रिवाइज कर लेते हैं, देखें आप लोग कहाँ तक अभी मजबूत कर रहे हैं चीजों को। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, रिसेंटली द फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। रिसेंटली द फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। चेन्नई, कोलकाता, भुवनेश्वर, कोची। हाँ जी सर, बताइए। बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? भुवनेश्वर, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है सर भुवनेश्वर। एक पोर्टल पढ़ के आए थे आप, ई बाल निदान। ई बाल निदान पोर्टल रिसेंटली वाज सीन इन न्यूज इज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, या फिर सर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। करेक्ट आंसर क्या होगा? ई बाल निदान पोर्टल जो अभी न्यूज में था वो किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर था नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। सो अब चाइल्ड राइट से रिलेटेड जो कंप्लेन थी उसको दर्ज करने के लिए ये पोर्टल ई बाल निदान बनाया गया, ठीक है। निदान का मतलब है रिजॉल्व करना, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, बाल मतलब बच्चा, ठीक है। इस तरह से बाल मतलब ये हेयर वाला बाल मत समझ लेना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ये डिस्कस किया था पिछली क्लास का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ईवी रामास्वामी रामासामी पेरियार एज सोशल जस्टिस डे ऑन 17th of September। 17 सितंबर की बात है तो कौन सा स्टेट ईवी रामास्वामी पेरियार का बर्थडे एज अ सोशल जस्टिस डे सेलिब्रेट करता है? आसान सवाल है, बता सकते हैं। लास्ट क्लास में जब भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे यहीं पे एंड किया था, और करेक्ट आंसर था सर आपका तमिलनाडु, ठीक है। तो यहां तक हम कर चुके थे, इसके आगे आज स्टार्ट करेंगे। अच्छा, स्टार्ट करें उससे पहले वीडियो को प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलो सर फिर स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स हैव वॉन द 131st एडिशन ऑफ डूरांड कप 2022? मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब, बेंगलुरु फुटबॉल क्लब, गोवा का, या एटीके मोहन बिगान? इनमें से कौन सी टीम ने डूरांड कप 2022 जीता है? देखो डूरांड कप आपके किसी एक एग्जाम में तो आ चुका है, आई एम नॉट श्योर ऑफ द एग्जाम, बट एबीएसएसबी के एग्जाम में मुझे याद है कहीं ना कहीं डूरांड कप 2022, डूरांड कप पुराना कोई टूर्नामेंट का सवाल था कि किसने ये जीता है, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम के रेलिवेंट इंपॉर्टेंट सवाल है, यस और नो, ठीक है। तो डूरांड कंसेप्ट कब से रिलेटेड सवाल आपके एग्जाम में देखे गए हैं, तो इसको मजबूत करके रखिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स हैव वॉन द 131st एडिशन ऑफ डूरांड कप 2022, बताइए सर।
बिल्कुल सर, करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इज बैंगलुरु फैंक, वो फुटबॉल का, ठीक है। तो डूरांड कप 2022 किसने जीता है? बेंगलुरु एफसी। तो डूरांड फुटबॉल टूर्नामेंट नोन एज डूरांड कप, ठीक है, ये डोमेस्टिक फुटबॉल कंपटीशन है जो इंडिया में होता है हर साल। जो सबसे पहले हुआ था आपका 1888 में शिमला में, तो वहां से ये स्टार्ट हुआ था। एक सोसाइटी है डूरांड फुटबॉल टूर्नामेंट सोसाइटी एंड ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ये सब मिलके इस गेम को करवाते हैं, ठीक है। अगर आप पूछो कौन सी टीम ज्यादा सक्सेसफुल रहती हैं, तो ईस्ट बंगाल क्लब हो गया, मोहन बगान एसी हो गया, ये सब आपकी ज्यादा विक्टोरियस रहती हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा ईस्ट बंगाल क्लब ने आपकी ट्रॉफीज जीती हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट द डूरान कप। क्वेश्चन नंबर 84, विज्ञान प्रगति अ पॉपुलर साइंस मैगजीन रिसेंटली रिसीव्ड द नेशनल राजभाषा कीर्ति अवार्ड एट द सेकेंड ऑल इंडिया राजभाषा सम्मेलन 2022। इट इज रिलीज बाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। एक मैगजीन है विज्ञान प्रगति नाम की, तो विज्ञान प्रगति नाम की जो मैगजीन है उसको एक अवार्ड मिला है। अवार्ड का नाम क्या है? नेशनल राजभाषा कीर्ति अवार्ड, ठीक है, नेशनल राजभाषा कीर्ति अवार्ड। ये किसको मिला है? एक मैगजीन है विज्ञान प्रगति, ठीक है। कब मिला है? तो सेकेंड ऑल इंडिया राजभाषा सम्मेलन हुआ था उसमें ये राजभाषा कीर्ति अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो ये जो मैगजीन है, सवाल हमारा अवार्ड से रिलेटेड नहीं है, सवाल है हमारा मैगजीन से। अब चूंकि ये मैगजीन न्यूज में आ गई, अवार्ड जीत के आई है, मैगजीन का नाम है विज्ञान प्रगति, तो इस मैगजीन को रिलीज कौन करता है सर? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इस मैगजीन को रिलीज करती है? अब देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है अगर आपको इसका आंसर नहीं पता, क्योंकि विज्ञान बोले तो साइंस, अब साइंस से रिलेटेड तो सर आपका डीआरडीओ, इसरो, आईआईएससी बेंगलुरु और सीएसआईआर सभी हैं साइंस से रिलेटेड। कोई इंडस्ट्रियल साइंस की बात करता है, कोई स्पेस साइंस की बात करता है, कोई डिफेंस में साइंस की बात करता है, और कोई इंस्टीट्यूशन ही है पूरा साइंस का। तो इसका करेक्ट आंसर है सीएसआईआर, ठीक है। तो इसमें आप तुक्केबाजी कर सकते हो, कई लोग इसमें से तुक्के ज्यादातर लोगों के गलत हुए। करेक्ट आंसर है सीएसआईआर। विज्ञान प्रगति मैगजीन किसकी है? सीएसआईआर की है, ठीक है। तो सीएसआईआर की अगर हम बात करें, तो इसमें हम थोड़ा सा सीएसआईआर के बारे में बात करते हैं। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। देखो जब हमारे देश को आजादी मिली तो हमें इतना पता था कि देखो इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी तभी देश आगे बढ़ेगा, लेकिन इंडस्ट्रीज को एक डायरेक्शन चाहिए, इनोवेटिव डायरेक्शन चाहिए, ठीक है। इंडस्ट्रीज में इनोवेशन होना चाहिए, एक साइंटिफिक मैकेनिज्म के तहत वो आगे बढ़े। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक इंस्टीट्यूशन ओपन करी, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। ये वैसे तो आजादी से पहले बन गई थी, ठीक है, आजादी के बाद नहीं, ये आजादी से पहले बन गई थी, लेकिन इसमें जो आप देख सकते हो काम हुआ है वो आजादी के बाद ही स्टार्ट होगा, चेंजेस वगैरह, ठीक है। तो ये अंग्रेजों के टाइम से ये इंस्टीट्यूशंस क्रिएट हो गई थी, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, सेप्टेम्बर 1942। एक रीजन ये भी था, ये आपका ये वर्ल्ड वॉर टू का टाइम भी रहा है, ठीक है। तो ये लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में। तो इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कहीं एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ गई, हेल्थ से रिलेटेड, ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, कुछ भी ड्रिंकिंग वाटर में चेंज, हमें कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशंस चाहिए, फूड है, हाउसिंग है, एनर्जी है, कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशंस चाहिए, तो हम किसकी तरफ रुख करेंगे? तो हम सीएसआईआर की तरफ रुख करेंगे और सीएसआईआर से पूछेंगे व्हाट आर द इनोवेटिव सॉल्यूशंस। तो जो भी हमारी रोजमर्रा की परेशानी है उनमें आप इनोवेटिव सॉल्यूशंस देने का काम कौन करता है? सीएसआईआर करता है, ठीक है। इसको फंड कौन देता है? अब इसमें खास जानकारी क्या है, बनी कब? 1942, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। ये फंड कौन देता है इसे? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। साइंस की बात कर रही है तो इसे फंडिंग कहाँ से मिलेगी? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू मिलेगी, ठीक है। ऑटोनॉमस बॉडी है, अपने हिसाब से काम करते हैं, इनका रजिस्ट्रेशन हो रखा है सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में, ठीक है। रेडियो, स्पेस फिजिक्स, ओशियनोग्राफी, जियो फिजिक्स, केमिकल्स, ड्रग्स, जिनोमिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, माइनिंग, एरोनॉटिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और आईटी, इन सारे सेक्टर्स में सीएसआईआर आपका काम करता है, ठीक है।
तो एक ब्रॉड लेवल पे इंडिया में अगर कोई साइंटिफिक नॉलेज को प्रोमोट करता है तो वो कौन है? सीएसआईआर। तो ये कौन सी मैगजीन लॉन्च की थी इन्होंने? विज्ञान प्रगति। इज दैट क्लियर और नॉट? अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। ये सीएसआईआर की सारी जानकारी सर समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और बाकी लोग तब तक मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 85। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बीन एडमिटेड एज अ परमानेंट मेंबर ऑफ द एससीओ एट द समरकंद समिट 2022। देखो एससीओ से रिलेटेड पहले भी हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है? तो ये क्वेश्चन फिर आ गया एससीओ से रिलेटेड। ये पूछ रहा है कि कौन सी कंट्री को परमानेंट मेंबर एडमिट किया गया है। तो अगर पिछले क्वेश्चंस आपने मेरे करे होंगे, पिछले करंट अफेयर्स अटेंड करे होंगे, तो आप ये क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि वहां पर मैंने इस चीज को पढ़ाया है। मैंने बताया कौन सी कंट्री इस बार ऐड हुई है, अगली बार आपको काम करती हुई दिखेगी। 2023 एससीओ की जो प्रेसिडेंसी है हर साल रोटेट होती है, तो अगली साल किसको मिलने वाली? इंडिया को। इस बार एससीओ समिट आपका कहाँ हुआ था? सॉरी एससीओ नहीं, G20 की मिलने वाली। खैर एससीओ की भी प्रेसिडेंसी हमें मिलने वाली है अगली साल, एससीओ की भी G20 की भी। तो कौन सा कंट्री ऐड हुआ है हाल फिलहाल में? ईरान। ठीक है, कौन सा ऐड हुआ है? ईरान। देखो ईरान में ना दो इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं, एक बार आपके एग्जाम में पूछे गए थे, दश्ते काविर, दश्ते लूत। ठीक है, ये दो ईरान के दो इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं, ये आपसे एग्जाम में पूछे गए थे, इनका थोड़ा सा नाम ध्यान रखना। जब ईरान का जिक्र आया तो मैंने कहा एक बार इनकी भी बात कर लें, जिन पे सवाल बनता है। एससीओ की बात करें तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, आप थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करते हैं। देखो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 में बना, लेकिन उससे पहले एक और बॉडी एग्जिस्ट करती थी, शंघाई फाइव। एससीओ नहीं था, पहली थी शंघाई फाइव। उसमें कौन कौन था? कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान। ठीक है, तो K1 K2 थे अपने, और CRT, चाइना, रशिया, ताजिकिस्तान। तो ये पांच मेंबर्स हुआ करते थे इस आपका क्या कहते हैं समिट में, इस ऑर्गेनाइजेशन में। तो पहले इसका नाम एससीओ नहीं था, इसका नाम था शंघाई फाइव। ठीक है, फिर शंघाई फाइव से बढ़ते बढ़ते इसमें आपका फिर उज्बेकिस्तान ऐड हो गया। तो जब उज्बेकिस्तान ऐड हो गया तो फाइव की जगह सिक्स करने में थोड़ा अजीब लग रहा था, तो उन्होंने इसका नाम बदल के प्रॉपर क्या कर दिया? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इस तरह से भी एससीओ के मेंबर्स याद कर सकते हो कि प्रायर टू 2001 पांच मेंबर्स थे, K1 K2 यानी कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और CRT, चाइना, रशिया, ताजिकिस्तान। फिर 2001 में एक मेंबर ऐड होता है जिसका नाम है उज्बेकिस्तान। कौन ऐड हुआ सर? उज्बेकिस्तान। तो ये कितने हो गए? छह मेंबर हो गए। फिर उज्बेकिस्तान के बाद इंडिया और पाकिस्तान भी ऐड हो गए इसमें। उज्बेकिस्तान के बाद इंडिया और पाकिस्तान भी ऐड हो गए 2017 में। तो अभी फिलहाल कितने मेंबर्स हैं? 5, 3, 8। और ईरान भी ऐड हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे? 9 मेंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इनके मेंबर सिंपल याद रख सकते हो, K1 K2 CRT, पहले पांच थे, फिर 2001 में यू ऐड हुआ, फिर पाकिस्तान इंडिया यानी CRT UPI, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। पाकिस्तान इंडिया 2017 में ऐड हुए 2017, उज्बेकिस्तान कब ऐड हुआ? 2001 में ऐड हुआ। और ये कंट्रीज तो पहले क्या कहलाते थे? ये कहलाते थे शंघाई फाइव। ठीक है सर, गामी जी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा इन दैट केस, अगर नेट सही नहीं हो, है ना? कई लोगों के साथ ऐसा दिक्कत हो जाता है, अभी क्या करें, अब चिंता मत करो, अभी कुछ टाइम में अभी जब 5G हो जाएगा सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, लेकिन सर तब तक हमारा पेपर हो जाएगा, हो ही जाए पहले पेपर तो अच्छी बात है। इस टाइम जो कमीशन में दिक्कतें चल रही हैं, पेपर तो आपका काफी डिले होता जा रहा है। ठीक है, चलो जी, यहां तक कोई दिक्कत है? यस और नो? क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज लॉन्च्ड अ वेब पोर्टल सीएम द हैजी।
एक वेब पोर्टल लॉन्च हुआ है सीएम द हैसी, किस स्टेट ने लॉन्च किया है? अरुणाचल, मणिपुर, सिक्किम, मेघालय, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज लॉन्च अ वेब पोर्टल सीएम द हैसी? लगाओ सर तुक्का, क्या आंसर होना चाहिए? सिक्किम लग रहा है सर आंसर, लेकिन सर करेक्ट आंसर इज मणिपुर। सीएम द हैसी वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया? चीफ मिनिस्टर मणिपुर के जो है एन बीरेन सिंह जी ने, ठीक है, मिस्टर एन बीरेन सिंह, सॉरी एन बीरेन सिंह, चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर, ठीक है। पोर्टल का नाम है सीएम द हैसी। सीएम द हैसी का मतलब क्या है? टू इन्फॉर्म द सीएम, ठीक है। ये एक ऐसा पोर्टल है जहां पर आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, कंसीडरिंग कि डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर साहब इस कंप्लेंट को एड्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये वेबसाइट है, वहां जाके आप डायरेक्ट कंप्लेंट को दर्ज कर सकते हैं। दैट क्लियर? द स्टेटस ऑफ द कंप्लेंट्स में ऑल्सो बी चेक्ड बाय द कंप्लेनेंट्स। तो वो आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ तक पहुंची, कैसा क्या चल रहा है, दिस दैट, है ना, ये भी आपको कवर करना होगा। चलो सर, तो वैसे तो नॉर्थ ईस्ट का आपका करंट अफेयर्स कई क्वेश्चंस मैं कवर करा रहा हूँ, लेकिन अलग से अभी एक सीरीज स्टार्ट हो रही है नॉर्थ ईस्ट करंट अफेयर्स, ठीक है। तो वो भी आपके फेसबुक पेज में अपलोड कर दी जाएगी, तो वहाँ से आप उसको अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट करंट अफेयर्स भी आपको प्रोवाइड करा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स यूटीज वर डिक्लेयर्ड एज इंडिया फर्स्ट स्वच्छ सुजल प्रदेश? इनमें से कौन से स्टेट या यूटी को इंडिया का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश डिक्लेयर किया गया है? डू लेट मी नो। स्वच्छ सुजल प्रदेश किसको डिक्लेयर किया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स यूटीज वॉज डिक्लेयर्ड एज इंडिया फर्स्ट स्वच्छ सुजल प्रदेश? मैम जी क्या करूं, ये मेरे पास टाइम थोड़ा सा लिमिटेड है, उसकी जगह आई एम प्लानिंग फॉर फर्दर थिंग्स। अब मैं क्या है, अभी हमारे जो पीसीएस के स्टूडेंट्स हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं अभी काम करना स्टार्ट कर दिया हूँ। जैसे अभी मैं लगा हुआ हूँ एडिटोरियल एनालिसिस बनाने पे, कि अब प्रीलिम्स ये फैक्चुअल करेंट अफेयर्स के साथ साथ एडिटोरियल्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएं, प्लस साथ ही साथ एक फ्री में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में हम अभी आपका स्टार्ट करवाएंगे। तो जो लोग आंसर लिखने में जिनको डर लगता है, तो वो उसको अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ऐसा है कि सिर्फ पीसीएस में नहीं, कई फर्दर एग्जाम्स होते हैं जैसे लाइक टीजीटी, पीजीटी, उनमें भी बहुत काम आती है ना, तो उस पर भी मैं वर्क कर रहा हूँ। तो इसीलिए बाकी हमारे और भी स्टाफ मिलेंगे, तो कोशिश ये कि हर एक चीज अंडर वन रूफ आपको प्रोवाइड कर दी जाए, ठीक है। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटीज वॉज डिक्लेयर्ड एज इंडिया फर्स्ट स्वच्छ सुजल प्रदेश? लद्दाख, अंडमान निकोबार, गोवा, तेलंगाना, बताइए सर। करेक्ट आंसर इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये है क्या सर स्वच्छ सुजल प्रदेश? ये सर्टिफिकेशन देता कौन है और क्यों देता है? देखो, ये जो सर्टिफिकेशन देने का काम है, ये शुरू किया गया है जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है।
जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर भी कहते हैं इसको इंग्लिश में, उन्होंने प्लान किया है कि हम ऐसे एरियाज को, ठीक है, जो इन तीन चीजों को एंश्योर कर लेंगे, उनको ये सर्टिफिकेट दे देंगे। अब ये सर्टिफिकेट से होगा क्या? देखो, जिसके पास ये सर्टिफिकेट हो गया स्वच्छ सोजल प्रदेश का, उसके पास मतलब उनका एक तो पहली बात तो नाम हो गया, नाम हो गया तो उससे टूरिज्म बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा प्लस साथ ही साथ अगली बार सरकार उनको कुछ एक्स्ट्रा फंड भी देगी, उनको प्रेज करने के लिए, उनकी तारीफ करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा फंड्स भी प्रोवाइड कर सकती है सरकार, ठीक है। तो तीन चीजें इंश्योर करनी होंगी ये सर्टिफिकेट लेने के लिए। पहली चीज तो जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है वो आपकी सेफ होनी चाहिए और सिक्योर होनी चाहिए, और ODF प्लस स्टेटस होना चाहिए। ODF क्या होता है? ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी आपके एरिया में वहां पर कोई भी खुले में शौच या खुले में टॉयलेट वगैरह ना करता हो, ठीक है। तो ये आपका होता है ODF प्लस स्टेटस। तो ODF प्लस स्टेटस आपका अचीव होना चाहिए। दूसरा, आपके एरिया में लोगों के पास क्लीनलीनेस की रिगार्डिंग अवेयरनेस होनी चाहिए, और जो क्लीनलीनेस की स्कीम सरकार ने लाई है वो उनका इम्प्लीमेंटेशन आपके एरिया में होना चाहिए। अगर ये तीन चीजें इंश्योर्ड हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति आएगी, वो इन तीन पैरामीटर्स को चेक करेगी, तीनों अगर चेक हो रहे हैं तो उनको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा जिसका नाम है स्वच्छ सुजल प्रदेश, ठीक है। देखो, इसके साथ साथ जो अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड्स हैं उनको हर घर जल सर्टिफिकेशन भी मिल चुका है। ये किनको मिलता है? जिनके घर में टैप वाटर सप्लाई मौजूद है, ठीक है, जिन एरियाज में प्रॉपर 100% टैप वाटर सप्लाई प्रोवाइड की गई है उनको हम क्या कह रहे हैं, 100% तो नहीं, मतलब एक प्रॉपर टैप वाटर सप्लाई जहां पर मिल जाएगी उनको हम क्या कह रहे हैं, उनको क्या प्रोवाइड किया गया है, हर घर जल सर्टिफिकेशन। तो उसमें आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स भी है, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को भी हर घर जल सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। ODF प्लस मतलब यही, ODF का मतलब होता है ओपन डेफिकेशन फ्री, ठीक है, मतलब कोई भी खुले में शौच ना कर रहा हो, और ODF प्लस उससे एक स्टेप आगे है, ठीक है। ODF प्लस का मतलब है कि वो आपका एक तो खुले में शौच भी ना हो रहा हो, प्लस जो भी वेस्ट है आपका, जो सॉलिड और लिक्विड टॉयलेट का वेस्ट है उसको भी मैनेज करा जा रहा हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि मान लो किसी लेबोरेटरी में कोई टॉयलेट लेबोरेटरी यूज कर रहा हो लेकिन लेबोरेटरी की हालत बहुत गंदी हो, तो लेबोरेटरी से या आपके जो टॉयलेट से वेस्ट निकल रहा है उसका प्रॉपर अगर मैनेजमेंट हो रहा है, ठीक है, वहां पे भी प्रॉपर क्लीनलीनेस मैनेज हो रही है, तो ODF प्लस स्टेटस मिलेगा। ODF सिर्फ इस बात पे मिल जाता है कि आप बस बंद कमरे के पीछे, बंद कमरे में शौच कर रहे हो, खुले में खेत में नहीं जा रहे हो। और ODF प्लस का मतलब है कि आप बंद कमरे में भी हो, प्लस जो वेस्ट निकल रहा है उस वेस्ट को मैनेज करने के लिए भी प्रॉपर व्यवस्था की गई हो। ऐसा नहीं बस टॉयलेट बना के छोड़ा है, वहां गंदगी, टॉयलेट के अंदर गंदगी हो रही है, ठीक है, तो टॉयलेट भी साफ होने चाहिए, तो वो कहलाता है ODF प्लस। चल सर रानी जी, क्लियर है ODF प्लस का मतलब, यस और नो? तो तीन चीजें हैं, वाटर सप्लाई, ODF प्लस और क्लीनलीनेस अवेयरनेस, ये है, तो स्वच्छ सजल प्रदेश का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो सबसे पहली एरिया कौन सी बनी सर्टिफिकेट को लेने वाली, ये बन गई सर अपनी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अब देखो यही होता है, आपने नाम सुना ना, तब आपके पास अगर व्यवस्था है तो आप सोचोगे अरे ऐसी बात है, चलो एक बार अंडमान निकोबार घूम के आते हैं, देखते हैं सर क्या मसला है, कैसा क्या बना है। तो इसे एक टूरिज्म को बहुत बड़ा फायदा मिलता है और कंपटीशन की भी भावना जगती है। अब अंडमान निकोबार ने कर लिया तो लक्षद्वीप भी सोचेगा भाई मैं भी कर लूं, है ना, फिर आपका ये दादरा नगर हवेली, गोवा, ये सब भी सोचेंगे हम भी कर लेते हैं, तो एक कॉम्पिटिशन का भी सेंस बनता है, सर्टिफिकेशन का ये भी फायदा है। क्वेश्चन नंबर 88, इंडिया वॉन 19 मेडल्स इन द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022, इट वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। देखो, मैं पहले भी कह चुका हूं, सिंपल इवेंट का नाम होगा, कौन सा इवेंट था, किसने जीता, कहां ये हुआ था, इट वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द कंट्री, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते रहते हैं। तो जैसे ये वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022, तो ये किस कंट्री में हुआ था, मोरक्को, सेनेगल, माली, ब्राजील, बताइए सर। इट वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, प्लीज डू लेट मी नो।
मोरक्को, सेनेगल, माली, ब्राजील, बताइए सर। ये हो रहा है आपका मोरक्को में, ठीक है। इंडियन एथलीट साइन इन मराकेश पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिंक्स विद 19 मेडल्स, ठीक है। तो नाम ध्यान रखिएगा, ये कंपटीशन कहाँ हुआ है, मोरक्को। अब मोरक्को विजुअलाइज नहीं हो रहा है सर, कहाँ पर है, तो विजुअलाइजेशन भी जरूरी है। अफ्रीका में आ जाओ, नॉर्थ अफ्रीका, तो ये जो कंट्री है ये आपका मोरक्को है, ये कंट्री है स्पेन। इनके बीच में ये जो नैरो वेट वाटर पैसेज है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। नैरो पैसेज है, बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है, न्यूज में बना रहता है, इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये किसको कनेक्ट कर रहा है, इधर से देखोगे तो मेडिटेरेनियन सी और इधर देखोगे तो अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक और मेडिटेरेनियन को, अटलांटिक और मेडिटेरेनियन को कनेक्ट करने का काम करता है ये जिब्राल्टर स्ट्रेट, ठीक है। किस किस के बीच है, इधर मोरक्को है, इधर स्पेन है। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 89। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह लेड द ज्वाइंट इंडियन मिनिस्टीरियल ऑफिशियल डेलीगेशन टू पार्टिसिपेट इन द ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम 2022। इट वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। देखो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, ठीक है, वो एक डेलीगेशन मतलब एक ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स लेके गए थे, उसमें इंडिया के कई मिनिस्टर भी थे। तो किसमें मतलब कुल मिला के जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, वो पार्टिसिपेट करके आए हैं ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम 2022। क्या नाम है, ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम 2022। तो ये किस कंट्री में ऑर्गेनाइज हुआ था, यूएसए, जर्मनी, यूएई, फ्रांस। तो ये किस क्या कह रहे हैं, इट वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, किस कंट्री में ऑर्गेनाइज हुआ था, बताइए इस जनाब, क्या कह रहे हैं। सीबीडी, सीबीडी ना सी है ना बी है ना डी है, करेक्ट आंसर है ए, यूएसए। तो क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम जो है 2022, ये कहाँ हुआ था, यूएसए में। इसको पहली बार यूएसए ने होस्ट किया था। दो एक्चुअली आपकी कॉन्फ्रेंसेस हैं, दो मीटिंग्स हैं, एक तो क्लीन एनर्जी मिनिस्टीरियल सीईएम, एक मीटिंग ये है, एक है मिशन इनोवेशन मिनिस्टीरियल, ठीक है। तो वो 7th मीटिंग उसकी और क्लीन एनर्जी मिशन मिनिस्टीरियल की 13th मीटिंग, ठीक है। इन दोनों को एक साथ ऑर्गेनाइज कर लिया गया था, ठीक है। तो उसको हमने नाम दे दिया ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम। इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस भाई ये देखो, क्लीन एनर्जी नाम से समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना है, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करना है, ठीक है। सिंपल सी बात है, कहने को कुछ भी लिखते रहो, बट हमारा मकसद क्या है, क्लीन एनर्जी को प्रमोट करना। बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाना, एक बार पढ़ लेना, इतना डिटेल में कुछ नहीं पूछने वाला आपसे, ठीक है। ये बस आपकी नॉलेज के लिए, एक बार इसको पढ़ लो, खत्म करो। लिखना उतना ही है जितना मैं बोलूं, है ना, जितना मैं बताऊं, जितना मैं डिस्कस करूं, बस वो लिखना है, बाकी ये सब क्या है, ये सब तो एक बार पढ़ लेना, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 90। रिसेंटली द ग्लोबल रजिस्ट्री ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, द वर्ल्ड फर्स्ट पब्लिक डेटाबेस ऑन फॉसिल फ्यूल रिजर्व्स प्रोडक्शन एंड एमिशंस वॉज रिलीज बाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। ग्लोबल रजिस्ट्री ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, द वर्ल्ड फर्स्ट पब्लिक डेटाबेस ऑन फॉसिल फ्यूल रिजर्व प्रोडक्शन
प्रोडक्शन एंड एमिशंस वॉज रिलीज बाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क, क्लाइमेट रियलिटी प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर सस्टेनेबल एनर्जी, कार्बन ट्रैकर एंड ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर। बताइए सर किसने रिलीज करी थी? एक ग्लोबल रजिस्ट्री, रजिस्ट्री मतलब डेटा है, ग्लोबल रजिस्ट्री ऑफ फॉसिल फ्यूल्स मतलब एक डेटा है कि किस कंट्री के पास कितना फॉसिल फ्यूल का रिजर्व है, किस कौन कितना प्रोड्यूस कर रहा है, कौन कितना एमिट कर रहा है। तो एक पूरा डेटा है, उसको हम क्या कह रहे हैं, ग्लोबल रजिस्ट्री ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो ये रिलीज किस ऑर्गेनाइजेशन ने करा है, सीधा सा सवाल ये है। हाँ जी सर, जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। तुक्के लगाने, बिल्कुल तुक्के लगाइए, एटलीस्ट एक बार नाम अच्छे से पढ़ लिए सबके, ताकि कभी कल एग्जाम में आ जाए तो आप ये ना सोचो कि कराया था लेकिन नाम तो बैठ ही नहीं पाए दिमाग में, तो ये सब ना रहे। ठीक है, एक बार नाम अच्छे से देख लो, बढ़िया से पेनी नजर से। बताइए जनाब, सी 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 इन द सी सी सी। ऑल राइट, सी 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 लग रहा है। खैर, करेक्ट आंसर इज दी, नाइस ट्राई। कार्बन ट्रैकर एंड ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर, इन्होंने इसको पब्लिश किया है। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होगा, अभी देखो COP27 की मीटिंग्स चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबा, COP27 की मीटिंग्स चल रही हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसमें अब तो खैर खत्म हो गई है, तो यहाँ पर इस मीटिंग में जो ये कहाँ हुई थी ऑर्गेनाइज, शर्म एल शेख, इजिप्ट में ऑर्गेनाइज हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर सारी बातें और क्लियरिटी से डिस्कस होंगी कि हाँ भाई किसके पास कितना फॉसिल फ्यूल है, कौन कितना एमिट कर रहा है, कौन कितना रिजर्व है, कौन कितना प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये सारी जानकारी आपका जब ये क्लाइमेट चेंज की मीटिंग्स में रहेगी तो ये बहुत ही एक और बेटर डिस्कशन आपका हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले हमारे पास डेटा ही नहीं होते थे कंट्रीज के, कौन कितना क्या कर रहा है। अब प्रॉपर डेटा है तो हम अच्छे से चीजों को नेगोशिएट कर सकते हैं और बेटर तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं ग्लोबल लेवल पे कि किस तरह से हम क्लाइमेट चेंज को होने से रोकें। ये COP27 है क्या? देखो, एक यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है, एक अर्थ रियो अर्थ समिट हुआ था 1992 में। ठीक है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ये डिस्कस हुआ था कि हाँ भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कुछ काम करना पड़ेगा। रियो अर्थ समिट 1992 ने एक बॉडी बनाई, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन फॉर टू कॉम्बेट, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू कॉम्बेट क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए एक बॉडी क्रिएट की, UNFCCC, इसको काम दिया कि भैया ये तुम क्या करो, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करो। तो UNFCCC क्या करता है, हर साल मीटिंग्स बुलाता है, तो जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है, हर साल वो मीटिंग्स में आते हैं। तो जैसे पहली मीटिंग हुई उसको हमने कहा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज वन, COP1, अगली मीटिंग हुई कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू, COP2। तो इस तरह से हर साल मीटिंग करते हैं, टारगेट्स लेते हैं, डेडलाइंस बनाते हैं कि इस साल तक हम इतना एमिशन रोक लेंगे, इस साल तक हम ये चेंज कर देंगे। तो इन्हीं के रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए UNFCCC के अंडर ये मीटिंग्स करवाई जाती हैं। ठीक है, तो अभी जो लेटेस्ट हुई थी वो थी आपकी COP27, जो कहाँ हुई थी आपका, इजिप्ट में। ठीक है, कहाँ हुई थी, इजिप्ट में। तो टोटल 27 मीटिंग्स अभी तक हो चुकी हैं। तो COP27 अगली बार सुनो तो उसमें ये घबरा मत जाना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 91। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म वाज सिलेक्टेड एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर द 95th अकेडमी अवार्ड और ऑस्कर अवार्ड 2023। देखो, जो ऑस्कर अवार्ड हैं उनको अकेडमी अवार्ड भी कहते हैं, तो इंडिया की ऑफिशियल एंट्री के तौर पे किसको सिलेक्ट किया गया इस बार?
कौन सी मूवी को? अनेक है, रॉकेटरी है, कश्मीर फाइल्स है या शैलो शो है? बताइए सर। और लोग कमेंट करिए, इतने लाइव हो, कुछ तो कमेंट करो भाई। नेटफ्लिक्स नहीं है ये, ठीक है? रिकॉर्डिंग भी देख रहे हो तो उसका क्या करो, कॉपी में अपने मन में आंसर सोच लो कि ये मेरे को अटेम्प्ट करना है, ठीक है? कॉपी पेन साथ में लेके बैठो, इंपॉर्टेंट जानकारी साथ ही साथ लिखते जाओ। ये नेटफ्लिक्स नहीं है कि पॉपकॉर्न लेके बैठो, इसमें कॉपी लेके बैठो। कुछ लोगों को कॉफी सुनाई दे रहा होगा, कॉफी भी लेके बैठो या कॉपी भी लेके बैठो। कॉपी से मतलब है नोटबुक, ठीक है? ये नहीं मस्त अपने कंबल में लेटे हैं, है ना, ईयरफोन लगा के क्वेश्चन आ गया। करते करते सो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या करो, प्रॉपर टेबल चेयर पे बैठ के इसको अटेम्प्ट करो। वेल, करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर इज छेलो शो। छेलो शो, क्वेश्चन नंबर 91, छेलो शो। गुजराती फिल्म छेलो शो, विच इज टाइटल लास्ट फिल्म शो इन इंग्लिश, हैज बीन सिलेक्टेड एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री टू द 95th एकेडमी अवार्ड्स। इट हैज बीन सिलेक्टेड इन द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी। इट हैज बीन सिलेक्टेड इन द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी। नाम मूवी का ध्यान रखो, बाकी ज़्यादा ज़्यादा उसमें नहीं लगना है अपने को, ठीक है? बाकी सारा चीज़ों को साइड करके बस नाम पढ़ो, आगे पढ़ो। फैक्चुअल सवाल फैक्चुअल की तरह करो, कंसेप्चुअल सवाल कंसेप्चुअल की तरह, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 पे आ जाओ। ये देखो फैक्चुअल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेवी शिप वॉज री कमीशन्ड, विच वॉज नेम्ड आफ्टर द फर्स्ट वॉरशिप बिल्ट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। देखो ये सारी न्यूज बनी रहती, कौन सा शिप डीकमीशन हो गया है ना, इस तरह के क्वेश्चन बनते रहते हैं कभी कभी एग्जाम में, इसलिए मैं कवर करा देता हूँ। अगर लगेंगे नहीं बन रहे हैं तो छोड़ भी देंगे। अच्छा बाकी में सो जाते हैं क्यों भैया? बाकी क्या सोनू निगम है कि मतलब उनकी आवाज सुनते ही नींद आ जाती है, बढ़िया सा माहौल बन जाता है। चलो कोई नहीं, देखो क्लास में क्या है ना, देखो ये नेचुरल है, नींद लग जाती है ना, तो उसके लिए आप लोग करो क्या, आप लोग जब भी क्लास करने बैठो तो कुछ खाने पीने का आइटम लेके बैठो। ऑनलाइन में तो कोई टीचर भी आपको नहीं देख रहा है ना, कोई स्टूडेंट देख रहा है, तो कंफर्टेबल रहोगे। कुछ बिस्किट वगैरह लेके बैठ गए, है ना, मटरी चूरा जो भी आपका फेवरेट है, थोड़ा बहुत लेके बैठ गए और उसे खाते रहे, थोड़ा बहुत आपका मुंह चलता रहेगा ना, तो नींद नहीं आएगी उससे। पानी वानी लेके बैठ गए, खैर सर्दियों में पानी तो लेके बैठना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है, बाद में पता चलता है। तो ये अपना कॉफी चाय पानी बिस्किट कुछ तो मिलता ही होगा ना, लेके बैठ जाओ। चलो जी इसका आंसर बताओ, किसको डीकमीशन किया गया है? हाँ, इन्हें सजय को डीकमीशन किया गया है, ठीक है? इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डिजाइन एंड बिल्ड वारशिप इंडियन नेवल शिप गोदावरी इज शेड्यूल्ड टू बी डीकमीशन ऑन डिसंबर 20, 2015। गोदावरी स्कील वॉज लेड ऑन 3 नवंबर 1978। बाकी सारी जानकारी हटाओ, आईने सजय का नाम याद रखो और आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 93, एक ऐप है हमारी यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च की है, स्केल ऐप। ये किससे रिलेटेड है? फिशरीज, डेयरी, लेदर, जूट। स्केल ऐप बताइए सर, ये जो स्केल ऐप है किससे रिलेटेड है? फिशरीज, डेयरी, लेदर, जूट। क्या लगता है, लेदर लेदर लग रहा है या फिशरीज? करेक्ट आंसर इज लेदर, ठीक है? स्केल की फुल फॉर्म समझ लोगे अपने आप समझ जाओगे, स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज, ठीक है?
एक लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल है, ठीक है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, वो क्या करता है, जैसे जो भी उनके पास प्रॉफिट होता है उसे वापस से री इन्वेस्ट कर देता है। ठीक है, मान लो कल आप बिजनेस स्टार्ट करो, आपको 100 रुपए का फायदा हुआ, आप वापस से 100 रुपए बिजनेस में लगा दो, तो आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो। क्यों? क्योंकि आप अपने प्रॉफिट को खर्च नहीं कर रहे हो, तो जहां पे प्रॉफिट को दोबारा से इन्वेस्ट कर देते हैं वो कहलाती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका काम क्या है, उसका काम यह है कि लेदर इंडस्ट्री में जो वर्क फोर्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो उसको फुलफिल करे, टू मीट द डिमांड फॉर स्किल्ड वर्क फोर्स इन द लेदर इंडस्ट्री इन इंडिया। तो ये आपको, ये काउंसिल सेटअप की गई थी 2012 में, ठीक है। तो अभी जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उससे अप्रूव्ड है ये ऑर्गेनाइजेशन। तो इस ऐप से क्या फायदा होगा, ये आपको स्किल्स प्रोवाइड करेगी, लर्निंग प्रोवाइड करेगी, आपने कितनी अच्छी स्किल सीखी उसका असेसमेंट प्रोवाइड करेगी, और कहीं भी अगर लेदर वर्कफोर्स की जरूरत पड़ रही होगी एम्प्लॉयमेंट आपको प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो इन सबको कनेक्ट करने का काम करती है आपकी ये ऐप। ऐप का नाम क्या है, स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज, ठीक है। तो इतना भी ध्यान रखोगे कि लेदर से रिलेटेड है तो अपना काम बन जाएगा स्किल ऐप। बाकी कल आपसे पूछा जाए कि सरकार स्किल्स के लिए क्या कर रही है, स्किल्स को प्रमोट करने के लिए क्या कर रही है, या अगर आपसे पूछा जाए एम्प्लॉयमेंट, स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप उठा रही है, तो वहां आप बता सकते हो कि एक अभी रिसेंट में यूनियन गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च करी है स्किल ऐप, जो लेदर एम्प्लॉयज को उनके स्किल्स भी सिखाती है और उनको एम्प्लॉयमेंट भी पूरा करके देती है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज नोटिफाइड द रूल्स गवर्निंग द क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 2022। क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 2022 अभी एक नया कानून आया है हाल फिलहाल में, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लासेस में। तो क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 2022 के जो रूल्स हैं वो कौन बनाएगा? देखो, एक तो होता है मेन लॉ, जैसे एक मेन लॉ बन गया क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट, जैसे मान लो यूजीसी है, यूजीसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, एक सरकार ने लॉ बनाया यूजीसी एक्ट, ठीक है, ये किसने बनाया, ये लॉ बनाया आपका पार्लियामेंट ने, जो एक बड़ी इंस्टीट्यूशन है, पार्लियामेंट ने लॉ बनाया यूजीसी एक्ट, उसमें लिख दिया कि यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करने का काम है यूजीसी का, ठीक है, यूनिवर्सिटीज का रेगुलेट करने का काम है यूजीसी का। अब यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करने के हिसाब से यूजीसी अपने अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकता है, तो यूजीसी कुछ रूल्स बनाएगा, ठीक है, यूजीसी मान लो कुछ रूल्स बनाता है, ठीक है। तो पार्लियामेंट ने तो एक कानून बनाया, उसको कहेंगे सब्सटेंटिव लॉ, सब्सटेंटिव लॉ यानी जो मेन लॉ है, सब्सटेंटिव लॉ। और उसी लॉ की मदद से, अगर हम उसी लॉ के हेल्प से या उसी लॉ की गाइडेंस में कुछ रूल्स लिखें तो वो क्या कहलाएंगे, सबऑर्डिनेट लॉज। जस्ट लाइक एक कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन के गाइडेंस में पार्लियामेंट लॉज बनाती है, उसी तरह से मान लो पार्लियामेंट ने कोई बॉडी बनाई है ना, कोई लॉ बनाया, उस लॉ के तहत उस बॉडी को पावर है कि वो अपने कुछ रूल्स डिफाइन कर पाए, तो जो बॉडी रूल्स बनाएगी उन्हें क्या कहेंगे, सबऑर्डिनेट लॉज। इन द सेम मैनर क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट एक सब्सटेंटिव लॉ है, इसके तहत इसके जो सबऑर्डिनेट लॉज हैं वो बनाने की पावर किसको दी गई है, तो इस प्रोसीजर के तहत जो रूल्स एंड नोटिफिकेशंस बनेंगे वो कौन सी मिनिस्ट्री बनाएगी, उसकी पावर किस मिनिस्ट्री को दी गई है, ये क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर बताइए। हाँ जी सर, क्वेश्चन नंबर 94 करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से थोड़ा भी अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो इसका आंसर बता पाएंगे।
बिल्कुल सर, इसका करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 2022 के तहत जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो कौन बनाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बनाएगा। ठीक है, तो ये कानून पुराने कानून को रिप्लेस कर देता है जो 1920 में बना था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920। देखो, प्रेजेंट गवर्नमेंट का मेन टारगेट ये भी है कि जो ब्रिटिश एरा से लॉज हैं, जैसे आपके अभी जो लॉ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू जी, उन्होंने कहा था कि ऐसे बहुत से ब्रिटिश एरा के लॉज हैं वो रेलिवेंट नहीं रहे हैं या उनमें चेंजेस की जरूरत है। तो सरकार अभी पूरा फोकस करी है, लॉ मिनिस्ट्री का भी मेन काम यही रह गया कि जितने भी ब्रिटिश एराज के लॉ हैं उनको एक जगह इकट्ठे करो, कहीं पर मान लो एक ही टॉपिक पे 10-10 तरह के लॉज हैं उनको यूनिफाई करो और पुराने लॉज को रिप्लेस करके आज मॉडर्न एरा से रिलेट करते हुए उन लॉज को बनाओ। जैसे ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920, ये ब्रिटिशर्स के टाइम का लॉ है, कॉलोनियल एरा लॉ है। ठीक है, ये पावर देता है पुलिस ऑफिसर्स को ताकि जो लोगों को जिनको सजा दी गई है, अरेस्ट किया गया है, जो ट्रायल फेस कर रहे हैं, उनकी मीजरमेंट्स ले सके। ठीक है, उनके फिंगरप्रिंट्स ले सके, है ना, उनके सिग्नेचर्स ले सके, उनकी हाइट मीजर कर सके, ये सारी डिटेल्स लेने की पावर देता है। लेकिन ये एक कॉलोनियल लॉ है, इसे हमें रिप्लेस करने की जरूरत थी, तो इसी को रिप्लेस करते हुए सरकार एक नया कानून लेके आई है, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 2022। अब ये इस कानून से सरकार वो पुलिस को क्या ताकत मिल गई? पुलिस को एक लीगल सैंक्शन मिल गया कि वो फिजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल्स ले सकते हैं कन्विक्ट्स से। अब देखो, 1920 में तो रेटिना स्कैन, हार्ट बीट स्कैन ये सब नहीं आया था, ये सब तो मॉडर्न एरा की चीजें हैं, तो इसीलिए इसको रिप्लेस करने की जरूरत थी। तो अब पुलिस के पास पावर है कि वो फिजिकल, जैसे कि आपकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, फेस का कलर कैसा है, आंखों का कलर कैसा है ना, ये सारी चीजें, और बायोलॉजिकल सैंपल्स जैसे कि आपका आई का, रेटिना का स्कैन हो गया, फिंगरप्रिंट स्कैन हो गया, तो ये सारी चीजें जो कन्विक्ट हैं मतलब जिनको सजा हो चुकी है उनके, या फिर साथ ही साथ जिनके ऊपर कोई आरोप है कि उन्होंने ये क्राइम करा है, उनके ये क्या कहते हैं सैंपल्स लेने की पावर ये कानून उन्हें देता है। वैसे तो एक कोड है, कोड क्या होता है? ग्रुप ऑफ लॉज, जब कई सारे लॉज मिलते हैं तो उसे कोड कहते हैं। तो एक कोड है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। ये मतलब एक क्रिमिनल केस में पुलिस को कैसे डील करना है, ये सारी डिटेलिंग हमें इस कोड से मिलती है, सीआरपीसी से। तो सीआरपीसी का जो सेक्शन 53 है या सेक्शन 53A है, वो पावर देता है पुलिस को कि वो डेटा कलेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो ये चीज और अब कंफर्म हो जाएगी इस लॉ के जरिए। क्या क्या डेटा कलेक्ट किया जा सकता है? फिंगर के इंप्रेशन, पाम प्रिंट इंप्रेशन, फुटप्रिंट इंप्रेशन, फोटोग्राफ्स, आयरिस एंड रेटिना स्कैन, फिजिकल बायोलॉजिकल सैंपल्स एंड एनालिसिस, बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स इंक्लूडिंग सिग्नेचर्स, हैंडराइटिंग और एनी अदर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये सारा डेटा जो भी इकट्ठा होगा पुलिस क्या अपने ड्रॉर में रखेगी? नहीं सर, इसको एक इंस्टीट्यूशन बनाई गई है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उसके पास प्रिजर्व कर दिया जाएगा, एनसीआरबी के पास प्रिजर्व कर दिया जाएगा। और एनसीआरबी इसको कब तक अपने पास रखेगी? 75 ईयर्स तक रखेगी। ठीक है, मान लो 2022 में किसी का डेटा दिया तो वो कब तक रखेगी? 2097 तक। उसके बाद ये ऑटो डिलीट का फंक्शन लगा है, 75 साल बाद 2022 का डेटा अपने आप ये एंड कर देगी। ठीक है, चलो सर, ये था क्वेश्चन नंबर 94। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 95। स्पर्श इनिशिएटिव रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज? स्पर्श इनिशिएटिव की बात कर रहा है, किसने लॉन्च किया है? स्पर्श इनिशिएटिव रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज, बताइए सर।
स्पर्श इनिशिएटिव कौन से मिनिस्ट्री का है? सर मेरा तो लॉजिक लग रहा है, ऐसे स्पर्श है, ऐसे सोशल जस्टिस है, ये लगा दूं क्या? कई बार ऐसे तुक्के काम भी कर जाते हैं और कई बार ये फेल भी हो जाते हैं, जैसे इस बार। करेक्ट आंसर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस नहीं, करेक्ट आंसर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। तो स्पर्श इनिशिएटिव की फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन, रक्षा। सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन, रक्षा। सर ये कैसा है सर, मैच हो भी रहा है स्पर्श? हाँ हो रहा है ना। सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन SPA और रक्षा RSH, बाकी बस मोदी जी ने कह दिया तो कह दिया, स्पर्श है तो है ना, लॉजिक नहीं लगाना है। स्पर्श का मतलब होता है किसी को टच करना, चरण स्पर्श, पैर छूते हैं ना, तो क्या होता है टच करना, टच मतलब स्पर्श, वैसे स्पर्श का मीनिंग। लेकिन यहाँ स्पर्श का मतलब है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री का ये इनिशिएटिव है, इसका पर्पज ये है कि देखो जो डिफेंस पेंशनर्स होते हैं, जो आर्मी में रहते हैं, नेवी में रहते हैं, है ना, एयरफोर्स में रहते हैं, तो उनको जो पेंशन मिलती है, तो पेंशन मिलने में उन्हें कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए एक पूरा सिस्टम बना दिया, उसे स्पर्श नाम दिया, जिससे होगा क्या, सरकार का इन्वॉल्वमेंट कम होगा, काम ज्यादा होगा, ठीक है। तो इनिशियली केटर टू द न्यू रिटायरीज, अभी जो नए रिटायरीज हैं उनको पहले कैटर करेगा, फिर बाद में जो एग्जिस्टिंग डिफेंस पेंशनर्स हैं उनको ये कवर करेगा। सो पेंशन से रिलेटेड ये आपका सिस्टम बनाया गया है, ठीक है सर। ऑलराइट, तो ये थे आज के क्वेश्चंस, आज हम यहीं तक करेंगे। इसके आगे के क्वेश्चंस वी विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है जी। इसके आगे के क्वेश्चंस वी विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो अभी आप क्या करो, इसको पढ़ो, रिवाइज करो, आगे मेहनत करो, एग्जाम अभी हो बाद में हो मेहनत करते रहना जब तक एग्जाम ना हो जाए, ठीक है। चलो जी, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक द लेक्चर एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।